जो फियर है रूहों का ये क्यों है? ये जो फियर है जिन का, एक ऐसी चीज का जो हमें नजर नहीं आती, ये क्यों है? क्या ये एक मिथ है, अफसाना है या हकीकत है? अगर आप किसी ऐसे केस को जानते हैं जिन पे हाजिरी होती है तो हम चाहते हैं कि हम उनसे बात करें। जब आप पे हाजिरी होती है बेटा तो आप मुस्तकबिल की बातें भी बताते हैं? इतने लंबे मुस्तकबिल की नहीं बता सकता। कब तक की बताते हैं? सिर्फ 3 दिन की। इनके पूरे घर के अंदर असरात है नहीं तो आएगी कैसे? इनके साथ जिस्म में वजूद में नहीं है चीज। सिर्फ साए देखे मैंने, 3 थे, एक मर्द का, एक औरत का, एक बच्चे का। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तुम कौन हो? अपने मुंह से बोलो। जी हाजिर हो रहा है लेकिन मुकम्मल नहीं हो रहा है। यही कह सकता हूँ कि मतलब ऐसे पेशेंट्स को हम अपने क्लिनिकल एंगल से देखते हैं और उसमें से बहुत सारे पेशेंट्स ही निकलते हैं। कि इनके साथ जादू के मामला, जिन्नात के मामला मौजूद हैं। जो इनकी दो बच्चियाँ मरी हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई है वो जादू ही की वजह से हुई है। नाम बताओ। मैं इसके शौहर को मारना चाहता हूँ। क्या? शौहर को। इसके शौहर को मारना चाहता है? हाँ। क्यों? मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। कहाँ ले जाना चाहता है? छोड़ दो। इससे इसके हकीकत पूछे ना, कहाँ है, कब से जड़ा हुआ, क्या क्या किया। तमाम अगले जिन्नातों से आर्डर, बिल्कुल जलाएं इसको। कैमरे हटा दीजिएगा प्लीज। कैमरे हटाइए, हटाइए कैमरे इनको। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। कल का आपने रिकैप देखा। चाह तो हम ये रहे थे कि तमाम के तमाम लोगों को यहाँ पर आज जिससे बिठा लें, लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। एक हाजिरी थी जिनको लेकर कोई आया था। जो उस हाजिरी को लेकर आए थे उस वक्त उनकी हाजिरी बराबर में यहाँ हो गई। इस वक्त मुफ्ती आसिफ सईद साहब पढ़ने में मसरूफ हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी ये शो आगे बन रहा है। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं आज तो कॉल कीजिए। डायल मी अप 03212075142, यहाँ कॉल करने का नंबर है। गिव मी अ कॉल, मुझे बताइए अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है, आपका कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई मसला है और आप हमसे बैठ के यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू गिव मी अ कॉल। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि कल हम रूहों का जिक्र करेंगे कि क्या रूह बुलाई जा सकती है। कल हम कोशिश करेंगे, बिकॉज ये सारी मिथ्स जो हैं इनको सही होना है। किसी तौर पे हमें इनके बारे में सही तौर पे इल्म होना चाहिए कि दरअसल है क्या, इस्लाम में हकायक क्या हैं, क्या कहा जाता है, वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें फला शख्स मरने के बाद नजर आ गया। क्या कोई शख्स मरने के बाद नजर आ सकता है? हमारे उलमा मुफ्तियान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मरने के बाद अगर कोई आपको नजर आ रहा है तो मौक्किलीन एक रूप धार के आपसे मिलने की कोशिश करते हैं। कोई मैसेज है जो दूसरी दुनिया से आपकी तरफ आता है, लेकिन दूसरी दुनिया से वो मैसेज लेके कौन आ रहा है? वो जरिया क्या है जो दूसरी दुनिया से मैसेज का बनता है? क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो शख्स जो चला गया है वो आपको दूसरी दुनिया से मैसेज भेज सके? हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी सिक्स सेंस। उसमें एक छोटे से बच्चे को मुर्दा लोग नजर आते हैं, वो लोग जो जा चुके हैं, जिनके कुछ काम अधूरे रह गए हैं वो लोग नजर आते हैं। और जब उसको नजर आते हैं तो उसके बाद वो उससे कुछ काम लेते हैं। जब उन लोगों का काम पूरा हो जाता है तो इसके बाद वो चले जाते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स जिसे मौत आ गई हो उसका कोई काम यहां पर अधूरा रह गया होगा? हमारे मजहब के मुताबिक, हमारे अकीदे के मुताबिक ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन, मौत बरहक है, इसका एक वक्त मुकर्रर है। खुदा का कोई भी काम, कोई भी काम, कोई भी काम सिवाय मुकम्मल के और कुछ नहीं होता। सो द क्वेश्चन इज कि दरअसल हकीकत क्या है। कल हम कोशिश करेंगे कि यहां पर एक शख्स को बुलाएं जो आपके सामने रूह को हाजिर कर सके। आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल शख्स हैं, एक ऐसी हस्ती है जो हवा में इलायची दे देते हैं। लिटरली वो ऐसे हाथ करेंगे उनके हाथ में इलायची आ जाएगी, वो ऐसे हाथ करेंगे उनके हाथ में तावीज आ जाएगा।
सो मच सो कि हमारी आंखों की विटनेस है कि उन्होंने बांग्लादेश ढाका में एक कब्र के अंदर दबे हुए तावीज को निकाल के किसी के सामने यहां रख दिया था। क्वेश्चन इज कि मिथ क्या है, हकीकत क्या है, क्या वाकई ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्या वाकई एक तावीज के जरिए जादू किया जा सकता है, क्या वाकई एक पुतले को गाड़ के किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्या वाकई अगर एक तरफ नींबू काटा जाता है तो उसके नींबू के काटते ही आपके नुकसान शुरू हो जाते हैं, क्या आपके कारोबार पे, आपकी शादी पे बंदिश की जा सकती है, यह सिर्फ महज यह हमारे जहन की पैदावार है। इन सारे सवाल के जवाब आपको हमारे शो में मिलेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, जिस शख्स को भी हमसे राबता करना है, चाहे वो किसी भी चैनल से हो, चाहे वो आम आवाम से हो, अगर वो ये समझते हैं कि हमने कोई भी चीज यहां फैब्रिकेट की है, तो प्लीज डू गिव अस अ कॉल, हमको कॉल कीजिए, हम आपको सारे नंबर्स, सारे केसेस प्रोवाइड कर देंगे। बिकॉज व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू पोर्ट्रे व्हाट रियलिटी इज। लेकिन इस शो का फिनाली फ्राइडे के दिन होगा, फ्राइडे का आपको इंतजार करना है, मुझे भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वंस एंड फॉर ऑल। वी विल डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे कि दरअसल हकीकत क्या है, रीजन क्या है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम के सामने तमाम की तमाम चीजें मौजूद हों और हम बहसियत इंसान शौर रखते हुए ये फैसला करें कि क्या हकीकत है और क्या अफसाना है, किसे मानना चाहिए, किसे नहीं मानना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात अपनी जिंदगी के मुताबिक कह सकता हूं, मेरी जिंदगी में हो सकता है जादू होता हो सकता किसी ने मुझे पजेस किया हो, लेकिन मैं चूंकि खुदा का बंदा हूं इसलिए मेरी मरकज निगाह सिर्फ उसकी जात है। मैं ये जानता हूं कि एज लॉन्ग एज आई बिलीव इन गॉड एंड ओनली वन गॉड, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात, मेरा सजदा कभी किसी इंसान के लिए हो नहीं सकता, मेरा सजदा सिर्फ मेरे खुदा के लिए। तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जब मैंने यह कह दिया कि वो मेरा रब है और मैं उसका बंदा हूं, तो बीच में से सारे वास्ते खत्म हो जाते हैं, सब कुछ उड़ जाता है। वो मेरी शहरक से ज्यादा करीब है, वो मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार कर सकता है, करता है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं साहिद भाई परवीन राणा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी परवीन, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी परवीन, क्या कहेंगे? मेरा बड़ा बहुत बड़ा मसला है, बताइए। मेरा मसला ये है कि हमारे घर में जादू, जब से मेरी माँ की शादी हुई है, जब से ही जादू साथ साथ चल रहा है। ओके। और अब शॉर्ट ये बात ये है कि हमारे, हम 35 साल की बहने हैं और रिश्ते आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन चले जाते हैं। हमारे घर में खून आता है, तारीफ आता है, राय, दुनिया की चीजें आती हैं। हल्के दरख्त इसलिए कटवाए कि शादी साथ बहुत ज्यादा आते थे, और मेरी अम्मी भी का इंतकाल हुआ 3 साल पहले, लोग कहते हैं कि सिकली में हुआ है। अच्छा, घर में खून बहुत आता है। आप एक काम कीजिए, अब से थोड़ी देर के बाद मुफ्ती आसिफ सईद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, नूरी साहब ज्वाइन करेंगे, और इलायची वाले बाबा जो हैं वो हमको ज्वाइन करेंगे। तो प्लीज आप मुझे उसको कॉल कीजिएगा या अपना नंबर जो है वो यहाँ पर छोड़ दें, और उसके बाद हम आपसे रब्ता कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा ये, जिन लोगों ने, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे चेहरे पर ये निशान पहले नहीं था, मेरे इस पर ये निशान पहले नहीं था, ये कल रात से हुआ है। क्यों है नो वन नोज, लेकिन ये पूरा निशान है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दिस कि इसमें मुझे कहीं चोट नहीं लगी, मैं कहीं गिरा नहीं हूं, रात को मैं ठीक से सोया हूं, ये सुबह मेरे हाथ पे है, एंड लिटरली ये आहिस्ता 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 पैदा हुआ है। पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ है, फिर बड़ा हो गया। I'm going to go to the doctor, लेकिन मुझे somehow कुछ और लग रहा है। छोटा सा ब्रेक जी, कोई बात नहीं, जब उखली में सर दिया तो मूसलों को क्या डर। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो वजाहत, अस्सलाम वालेकुम, how are you? डॉक्टर वजाहत, कोर्स मुफ्ती आसिफ सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा अस्सलाम वालेकुम। खान भाई अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ मौजूद हैं मुख्तियारी। 13 साल की उम्र में अक्सर ख्वाब में सर की तरफ से काला हाथ आता था और ऐसा लगता था कि जैसे हवा में उड़ रही हैं। शादी हो गई, 6 बच्चे, 4 बेटे 2 बेटियां, सारी जिंदगी तकलीफ में गुजर रही है।
पहले जैसे कहती थी कि जाओ तुम्हारा काम हो जाए, काम हो जाता था। अगर किसी को कहती थी कि अब नहीं होगा तो नहीं होता था। अब पूरे जिस्म में दर्द रहता है, जब मज़ारात पे जाती हैं तो हाजिरी हो जाती है। कल ये हमारे पास आई थी, मैंने कहा कि मैं प्रोग्राम को बहुत फास्ट पेस रखने की कोशिश करूंगा। कल ये हमारे पास खुद आई थी प्रोग्राम देख के। जब इंसान को तकलीफ होती है तो इंसान उसकी उसको दूर करने की, सही करने की कोशिश भी करता है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं पहले इनसे भी पूछूं मुख्तारी से, ताकि आपको किसी किस्म के शुबे की कोई गुंजाइश ना रहे। मुख्तारी साहबा, अस्सलाम वालेकुम। क्या कल से पहले आपकी हमारी मुलाकात हुई है? आप यहाँ खुद आई थी? कैमरे में देख के बोलिए जी। आपको अगर मुख्तारी का नंबर चाहिए हमसे ले सकते हैं। रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे फैब्रिकेशन पर बिलीव नहीं है। यहाँ जो कुछ हो रहा है, या तो ये सही होगा, ओरिजिनल होगा, या नहीं होगा, एंड ऑफ स्टोरी। मुझे अपनी रेटिंग्स, अपने नंबर के लिए लोगों को पैसे नहीं देने, लोगों को यहाँ पर बुला के बिठाना नहीं है, उनका मजाक नहीं उड़ाना, उनकी कैफियत। अगर यहाँ पर कुछ हो रहा है तो उसका रीज़न है, और जुमे को हम ये रीज़न बताएंगे। जुमे को मैं ये रीज़न बताऊँगा। मुख्तारी हमारे पास जब कल आई तो यहाँ आवाज़ें आने लगी, इन पर हाजिरी हो गई। खुशकिस्मती से हमारे साथ आसिफ सईद साहब थे, बाबर साहब थे, कामन साहब मौजूद थे, नूरी साहब मौजूद थे। तो जब ये हाजिरी हुई तो जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने विटनेस किया, लिटरली जो कुछ हमने विटनेस किया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा इस वीडियो को, उसके बाद हम मुख्तारी से बात करेंगे। मुख्तारी, आपको भी नहीं पता कि आपने क्या किया है कल। अभी आप देखेंगी, हमने वीडियो मोबाइल से बनाया है, क्योंकि हमारे कैमरे वगैरह सब शट ऑफ हो चुके थे, बंद हो चुके थे, तो हमने मोबाइल्स के जरिए वो फुटेज बनाई है। ठीक है, हम आपको सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं। आप घबराएंगी तो नहीं? नहीं? आपको चाय दे दूं मैं? कहीं चाय है आपके लिए? पक्की बात है? मुख्तारी के लिए पानी लेके आइए, प्लीज पानी लेके आइए, पानी लेके आइए। पहले हम ये फुटेज आपको दिखाना चाहते हैं, इसके बाद। और ये वो फुटेज है जो मोबाइल से बनी हुई, क्योंकि हमारे सारे कैमरे बंद थे। वॉच दिस। بحقي كابا يعين صوت بحقي حامي معي صوت چلا دو اس کو اللہ نے بہت تکلیف ہے چلا تو جب تک بتایا لا الہ الا اللہ سبحانك انی قلت بحقي حنان يا منان سبحانك لا الہ الا انت يا رب كل شيء كابا يعين صوت بحقي حامي چادر سے کہاں سے چڑھا ہے چچڑا کہاں سے چاہیے کس سے آیا ہوں ہاں چاہیے کس شاتک سے ہے یہ حرکت کرنے کے لیے شاتک سے اللہ شاتک ختم کیے میں نے अगर ये गड़बड़ करे इसको मारना अंदर से, मेरे हाथ लगे बगैर इसको मार देना। खेच पूरा असरात तमाम जिस्म के अंदर से खाली कर, मैं बोल रहा हूँ 20 साल में जो कुछ डाले खाली कर। अल्लाह कर रहा है झूठे मक्कार मुसलमान बना। पांव खोल दे पूरा, पूरे वजूद को खोल दे, आज हो जाएगा सब। फटाफट फटाफट इशारा बोला ना, पाँव के एक सीधे पाँव की एड़ी में आएगा। सलाम अलैकुम, आप सही हैं? मुझे वाह बताइए, आपने कभी अपने आप को इससे पहले से देखा? मैं प्रोग्राम देखकर ही आई थी, पहले ही चला था। नहीं, ना ऐसे अपने आप को कभी देखा इससे पहले? मूवी नहीं बनी है, लेकिन ऐसा तो अक्सर ही होता रहा है पहले। लेकिन आपको कुछ याद होता है जब ये होता है तो? हाँ, होश होता है मुझे, लेकिन काबू नहीं होता। लेकिन आपको होश होता है? हाँ, आपको पता होता है कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है लेकिन काबू नहीं होता। अंदर से क्या महसूस होता है? पकड़ते हैं बहुत जोरों से, कोई चीजें नोचती खसोड़ती है। कितने लोग हैं? ये नहीं पता। ये नहीं पता? पहली मर्तबा कब हुआ था वो? मैं शायकी गई थी तो तीसरी नौचंदी जब थी ना, तो इसी तरीके से तकलीफ होके मैं गिर गई थी, मुझे पता नहीं, फिर पता नहीं किसने उठाया, जब से हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर वजाहत, उसके बाद मुफ्ती साहब की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें दो किस्म की स्टडीज़ हैं जो हम आगे लेके चलेंगे, और इस दफ़ा हम, ये तो हमारा मकसद नहीं है कि आया कि ये साइकेट्रिक इलनेस है या जिन्नात का साया है और हम इस बहस में लग जाएं और हमारे पेशेंट नुकसान उठाते रहें। लेकिन फिर भी जो भी मामले हैं, ये बड़े सुपर नेचुरल टाइप के इशूज़ होते हैं, और इसी किस्म के नफसियाती अमराज के क्लिनिकल फीचर्स भी होते हैं। आपने देखे होंगे साहिब कि बिल्कुल इसी किस्म की चीज़ें हमारे ऐसे लोगों में भी नज़र आती है जो नफसियाती अमराज में मुब्तला होते हैं। लेकिन फिर भी इस दफ़ा हम लोग का सबका मूड है कि हम तमाम चीज़ों को एक मद्देनज़र रखते हुए
थ्रो प्रॉपर चैनल चलेंगे, अगर कोई इनको हम देख सकते हैं कि क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि जिन्नात हो या कोई भी हो लेकिन बॉडी के अंदर तो चेंज आता है, ठीक है, ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत तेज़ी से ट्रिगर करते हैं, तो वो ट्रिगर्स तो मुझे नज़र आ रहे हैं साफ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी हैबत है, कोई ऐसे चीज़ें नज़र आई हैं कि वाकई हम लोग मिल के अगर इस पर काम करेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला जल्दी ठीक होंगे। हाँ, मेरे अपने भी एनालिसिस हैं लेकिन मैं अपने सारे कॉमेंट्स, अपनी सारी बातें फ्राइडे तक के लिए मौकूफ करता हूँ। फ्राइडे को मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या सोचता हूँ, ये फुटेज हमारे पास होगी, मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या सोचा। मुफ्ती साहब, अऊज़ु बिल्लाहि समिन अलीम मिन शैतान वजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि यकीनन नफसियाती अमराज भी होते हैं, मगर जहाँ तक इन खातून का ताल्लुक़ है, इनके साथ जिन्नात का मसला है और जिन्नात इनके ऊपर तारी हुए हैं। जैसा कि ये बता रही, मैं शाकीक दरबार पर गई थी, वहाँ मेरा भी जाना हुआ है, वहाँ अमूमन ख़वातीन जाती हैं तो ये मामले हो जाते हैं, और इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिन्नात जिस्म में दाखिल होकर जिस्म में तब्दीली पैदा ना करें, ना आमिलीन कर सकते हैं ना डॉक्टर कर सकते हैं, तो इनके साथ जिन्नात का मसला है। जिन्नात का मसला हल होने के बाद अगर इनको बॉडी में कोई तकलीफ़ हुई है तो यकीनन इनको किसी डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। अब जहाँ तक रहा, लोग एक सवाल और सोचेंगे कि इनका होश क्यों रहता है, इनको खबर क्यों रहती है, तो ऐसा भी होता है कि बसा औकात मरीज़ के साथ इतने अरसे से ये चीज़ रह रहकर उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है, उसके वजूद का हिस्सा बन जाती है। ऐसे मरीज़ों को सेट होने के लिए ये चीज़ें अगर ख़त्म भी हो जाए, मसलन हम जला दें, हम कैद कर दें, इलाज कर दें, फिर भी वो मरीज़ ये समझता है कि मेरे साथ अभी कुछ है, अगर उसके पेट नफसियाती तौर पे, तो अब उसको क्या होगा कि डॉक्टर की तरफ रुजू करना पड़ेगा और औरादो वज़ाइफ की तरफ रुजू रखना पड़ेगा ताकि वो इसका मामला हल हो जाए, मगर इनके साथ जो प्रॉब्लम है वो जिन्नात का मसला है। जब इस ब्रेक से हम वापस आएंगे, इस ब्रेक के बाद आप ठीक हैं, पक्का? अभी मैं आपको बताऊं, हमने वो फुटेज नहीं बनाई, मैं हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे एक चीज़, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, और ये मेरे साथ गा रही थी। तो मैं आपके पास यहाँ बैठता हूँ, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले हम दोनों मिल के गाएंगे, फिर उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो वापस आने के बाद इन पर हाजिरी हो जाएगी, पता नहीं हाजिर करने वाले। अच्छा, चलिए चलिए छोड़े, ये तो हमें पता कुछ होगा। आइए आइए, आप और मैं खुदा का नाम लेते हैं, एक दो तीन। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है। एक नुजरत की टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद इनका इलाज यहाँ हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे, लेकिन आपसे बस रिक्वेस्ट एक है, कमज़ोर दिल वाले हजरात और अगर बच्चे मौजूद हैं अतराफ में तो पेरेंटल डिस्क्रिप्शन एडवाइस, उनको मत दिखाइए। अगर आप कमज़ोर दिल के मालिक हैं तो प्लीज़ इसको मत देखिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक टेलीफोन कॉल है नुजरत की, पहले वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुजरत। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साहिब भाई, मुझे कुछ मसला डिस्कस करना था। जी प्लीज बोलिए। साहिब भाई, मेरे घर में जब से मेरी वालदा की जब शादी हुई है ना, तब से लेकर आज तक, आज 30 साल हो गए उनकी शादी को, तकरीबन 30-31 साल, तब से लेकर अब तक परेशानी है ना। अच्छा। तो जैसे पहले तो ये होता था कि बर्तन टूटते थे, आवाजें आती थी, मतलब रिश्तेदारों की आवाज में ना, कपड़े गायब हो जाते थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा परेशानी बढ़ती गई, फिर अब ये पीछे थोड़ा सा ये होने लगा कि खून के धब्बे आते थे, नुसरत आप प्लीज अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे और देखते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपका कोई मसला है और आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज हमें SMS कीजिए, DKB लिखिए, DKB लिखने के बाद स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर अपना नाम लिखिए, सेंड टू 436। जितने ज़्यादा ज़्यादा SMS आएंगे, बाय द वे मैं आज भूल गया हूँ कि 10 बेहतरीन SMS को हम देने जा रहे हैं सईद जनी की तरफ से बास्केट, और जो सबसे ज़्यादा SMS करेंगे आज के प्रोग्राम के मुताबिक उनको हम एक अदद फूड फैक्ट्री देने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई मसला है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इन हजरात की खिदमत हासिल करें, तो देन डू टॉक टू अस, DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, उसके बाद स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, एंड सेंड इट टू 436, सेंड इट टू 436। हम शुरू कर सकते हैं जी? जी शुरू। हम इस वक्त कोशिश करेंगे कि यहाँ हाजिरी हो जाए
और इनका इलाज। अच्छा, हाजिरी के बाद क्या ये यकीनी बात है कि ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी, वो चीज़ चली जाएगी? जी, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है कि उस चीज़ को कैद, जैसा कि कल आपने देखा और लोगों ने भी देखा कि कैद भी कराया जा सकता है और जलाया भी जा सकता है। इसको कैद कर लिया था जी, उसको मैंने इनकी बॉडी में कैद किया, आज इसको इंशाल्लाह इनके जिस्म से निकालेंगे, मगर उसके असरात में इन्हें भी बता दूं और ऑन ईयर लोगों के भी इल्म में ले आऊं कि कोई लोग ये समझते हैं कि बस एक दिन में सारा मामला खत्म हो जाएगा। अब आप खुद सोचें कि किसी के साथ 30 साल से, 13 साल से, 20 साल से ये मसला है, तो वो चीज़ जो है उनकी बॉडी में असरात उसके दाखिल हो चुके होते हैं, तो ये चीज़ तो निकल जाएगी, मगर इनको रूहानी अमल अपना जारी रखना पड़ेगा, यानी जो तावीज़ हम देंगे या वजीफे देंगे वो ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएंगी। आइए प्लीज, मैं फिर कह रहा हूँ, आप प्लीज आप लाइए, आइए मुख्तसर, मैं फिर कह रहा हूँ कमज़ोर दिल वाले हजरात जो हैं वो इसको ना देखें, बच्चे जो हैं उनको हटा दें। रुबीना चादर वगैरह तैयार रखिएगा, लेट्स सी कि क्या पलटी मार के, एवरीवन शुड बी अप ऑन द टोस। कैन बी वेरी स्केयर। अब्दुल्ला हाजिर हो फौरन। आज कमरन से तमाम वकीलात को हुकूम है इसका मुकम्मल तौर पर होश बांधे, मुख्तारी बीबी का जो चीज़ भी उसको जलाने के लिए बिल्कुल तैयार करिए। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي له اشتفاء من النبي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يا معاشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أقسمت عليكم وعزمت عليكم أجيب يا جبريل بحق إن عظمنا كالكوثر يا ذا الجلال بحق فصل لربك وانحر يا رب تمعن بحق شانك وابني آدم قبل بحق يا بدو حادث عليقا مليقا طريقا لم تطع ما فيه بحق سليمان بن داود عليهم السلام حادث يا قالوا قهر قال اسرائيل اسر قال يا عزال شنشا جنات وبغل عازر بحق يا حي يا قيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم كل حضرات وحاضر حق يا حنان يا منان سبحانك لا اله الا انت يا رب كل شيء من بيدك حقك حق حامي مع السلطان الله جلائیں اس کو تمام اقرا جتنی بھی طاقت ہے اس کے سب جلانے شروع اللہ اللہ ان کے شوہر بلا لیں گے نا وہ زیادہ بہتر ہوں گے جی ان کے شوہر ہسبینڈ ہیں نا گائے میں उनको बुला लें वो पकड़ने के लिए ज्यादा बेहतर है। आपके हस्बैंड को आपके अगर हस्बैंड हैं आओ बिल्लाह सुन रहे हैं शफान और अगर नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए जल्दी से इसको आज हम अंदर बोलो बिना फारिस समावात वल अर्द अपन को ला तुम सुन लो मुझे मैंने कल बोला था ना चला जा छोड़ दे तुझे समझ नहीं है अब जल أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أن أصدق من أصدقائنا سبحانه وتعالى لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين والعذاب واعذر بحق يا الله اللهم سبحانك لا اله الا انت كل شيء من شورنا يا بعد لو جاء سے ائے وہیں بھی جوا دیتا ہوں
नहीं छोड़ना है तमाम होगी। अगर ये सेहतियाब हो जाती तो कर सकते وحري ان نسال الله ونسال القران العظيم ان يهدي له مصطفى من النبي صلى الله عليه وسلم انما خلقناكم عبدا وانكم الينا لا ترجعون يا معشر الجن والانس ان استطعتم تمام الصلاه ليله ابن اندر واپس خالی کر دینا جسم میں وجود میں دماغ میں پاؤں میں ٹانگوں سے چل بھی نہیں پاتی ہیں بہت کم چل پاتی ہیں کھول دو تمام جسم کو बिल्कुल जला दें खत्म करें खाकिस्तर करें जलाना तड़पाना शुरू करें बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए जलाल पूरे जिस्म से असरात वगैरह खत्म करके जला दो सर के बालों से नखून तमाम 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 असर बिल्कुल जला दे खत्म कर दे बिल्कुल जला दो जलने को जाहिर बिल्कुल जलाओ रूह से रख रख से बिल्कुल खत्म कर बिल्कुल खत्म कर खत्म कर पूरे वजूद से इसको يا ايها الصمير قم الى الله قل يا مسلوه وقسم الى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم القران تقول ان سنطيع عليك قول بقيل ان عاشيه وشبه ونسمع حمص وشبه ونقول تسبيح ما يقولون ورجله والمكذب لله العظيم ان الذين عنك قالوا يحل ربهم الصوت عذاب عليم يوم ترجف الارض والجبال تنزل المصيبه ما الى ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا وعصى فرعون رسولا فاخذنا واخذنا قبيلا فكيف تتقون ان قبل يوم يجيع البلدان الشيء السماء والبطن بكان وعيد مفعولا ان هذه تذكر ومن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انكم ما دام يطلب الليل ونصفه وطلبه وطوارئ من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان تحصوا تابع علم تقرا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في سبيل الله يبتغون من فضله واخرون يقاتلون في سبيل الله تقرا ما تيسر واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا وعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم خدم بركه السلام بالکل ختم کرے خاص سے اور بھی نہیں سننا چاہتا میں اس کو 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 نہیں سننا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الذي انزل القران نزل القران بها هذه الجماعه النبي خاصه من خلق الله واسع من السماء الى الارض وشفع لنا ان صدقنا من الله وصدقنا عليه مزبوط عليه واجب عليه بالله الحق ما كان ذكر صلى الله عليه وسلم جلال بالکل ختم کر دیں بالکل خاک استر کر دیں بالکل رو رو سے رگ رگ سے جان جان سے بالکل ختم کر دیں چیز مکمل ختم ہو جائے تو حاضر وہ ختم کر دیں بالکل اور جسم کو نارمل کر دیں के बालों से निकल पाऊंगा जो भी असरार डाले सब निकाले टांग की तकलीफ जिस्म की तकलीफ वजूद की तकलीफ सब खत्म कर दूं सुभान अल्लाह व अल्लाहु अकबर 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 व
हमेशा उसके कबीले का कौन कोई शख्स नहीं चलना चाहिए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي اللي نصب في مقدمه سبع قرات جوه هذا الشكر اللي بيحصل صلاه ما شاء الله عليكم سبع اقسم بعليكم سبع عليكم اللي حق هذا اللي بيحصل هو اقول لك انه شيء مكمل جلد نورمال كده بالكم جسم كو بالكم نورمال كر ان كان اصلي هوش كو खोल دي جينا خوش खोल उसको होश को खोल क्या नाम है मुख्तारी 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 बीबी के होश को खोल खोले होश को मुकम्मल जलने के बाद चीज मुकम्मल जल जाए तो बिल्कुल होश को खोल दें आहिस्ता आहिस्ता आंखों को खोले इधर आके बैठो एक दे दे दो गर्दन से حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو المصير حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو المصير حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو المصير حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو المصير काट दीजिए निकाल दीजिए निकाल दीजिए हम ये कर रहे हैं अमल ये जब तक पूरा नहीं हो जाता आप लोग जाइए इसको कैमरे को रिकॉर्ड पे रखिएगा अगर कोई बात होती है लेडीज एंड जेंटलमैन वंस अगेन वेलकम बैक इससे पहले कि हम अपने नए मेहमान से बात करें आप कैसी हैं कितने बच्चे हैं आपके छह बच्चे चार बेटे हैं दो बेटे कैसा फील हो रहा है ये तो आगे चल के बताऊंगी जब तबीयत ना खराब होगी तो इंशाल्लाह नहीं खराब होगी इंशाल्लाह नहीं खराब होगी वजह उसके बाद हम मुफ्ती साहब की तरफ आएंगे आप मुझे बताइए क्या सोचते हैं आपने देखा जी जी जो भी हुआ जैसा मैंने देखा आप सबने देखा कि ठीक है मैंने तो ये बात हमेशा से बोली है कि एग्जिस्टेंस तो है ठीक है ना जिन्नात की भी है लेकिन ऐसा बस हम डरते इस चीज से हैं कि ये दोनों चीजें बस आपस में मैनिपुलेटेड ना हो एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाए आपको इस वक्त क्या लगा मुझे ये लगा कि ठीक है अगर क्योंकि इनका एक अपना इल्म है माशाल्लाह काबिल आदमी है अगर ये सारी चीजें इन्होंने देखी है और ये हकीकत में अगर इनका निकल गया तो अल्लाह करे निकले लेकिन इसके बावजूद इनको जो है ना एक मेडिकल थेरेपी आई थिंक साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की फिर भी जरूरत है क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि नफ्सियाती तौर पे ये प्रॉब्लम का शिकार हो सकती हैं कितने साल से था आपके साथ ये बहुत साल से था मैंने होश संभाला जब से यही कुछ लेकिन एक को बांध दिया और ये दूसरा था इनको मैं बंधवाने गई तकलीफ की वजह से शायद एक एंड में चली गई वहाँ काफी साल हाजिरियाँ भरने के बाद जो है ना उसको बांध दिया अभी कुछ दिन पहले बताया अच्छा एक बात और उसको बांध दिया ये दूसरा साथ दे दिया अब मुख्तारी एक बात और भी हो सकती है अब इस बात को ना मैं मुफ्ती साहब आपसे भी बहुत रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ वजाहत आपसे भी कह रहा हूँ मुख्तारी से भी कह रहा हूँ मेरा अपना ख्याल है जो मैं पेश करना चाहता हूँ अगर आप लोग मुझे इजाजत दें ऐसा भी तो मुमकिन है हो सकता है इंसान का जहन जो होता है बहुत पावरफुल होता है बिल्कुल इंसान का जहन अक्सर
कल्ब को भी कंट्रोल कर लेता है। बिल्कुल। अगर आप में से किसी ने पामिस्ट्री पढ़ी है या किसी को पामिस्ट्री पता है तो उसके अंदर एक हाथ होता है जिस हाथ की लाइंस को कहते हैं मंकी पाम। मंकी पाम वो लाइन होती है जो दिल और दिमाग दोनों को कंट्रोल करती है। कहते हैं कि उस शख्स के दिमाग की लाइन नहीं होती जिसके हाथ में मंकी पाम होता है। वेल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिमाग दिल को ओवरशैडो कर जाता है। आपको एक हैरत अंगेज बात बताता हूं, इमेजिनेशन इज पावर। आइए आपको एक मंकी पाम दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं अपना केस बताऊंगा। This is what a monkey palm looks like. मेरे हाथ में सिर्फ दो लकीर हैं, तीसरी कोई लकीर नहीं। That means if I want to imagine something, I can imagine. ज़हन is very powerful. कभी कभी यह भी होता है कि जो imagination होती है इंसान की वो इंसान को मजबूर। इन्होंने एक बात कही बहुत स्ट्राइकिंग है कि एक पहले था उसे मार दिया। कभी कभी इंसान छोड़ना भी नहीं चाहता। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहां पे मैं कुछ कहना चाहूंगा, जहां से आपने कहा कि तसव्वुरात की ताकत, तसव्वुरात की ताकत भी अल्लाह तबारक व तआला ने दी। वो तो सारी कुव्वतें खुद इंसान में कुव्वत ये मौजूद है कि वो पानी पर भी दौड़ सकता है, वो तार पर भी चल सकता है, ये कुव्वत है उसके पास। मगर ये जो शैतानी कुव्वतें इनकी भी इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक आपने इस बात पर आपने कहा कि एक ने छोड़ दिया और एक दूसरा आ गया, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। सिर्फ मेरा ख्याल है। हाँ, आपका ख्याल है, मैं इस पे बता रहा हूँ लोगों को, ऐसा मुमकिन है पहले दिखाया गया, क्योंकि एक कैद हो जाए तो उसकी कौम के दूसरे लोग बदला लेने के लिए वो बंधा हुआ है। मुझे भेजा गया। कैसा था वो? काला सा और छोटा कर। हमारे पास राजा है काला सा और छोटा? नहीं ना, ऐसे नहीं कर। काला सा और छोटा सा भी है और काला सा भी है वो राजा। ऐसा भी बड़ा प्यारा सा है। बहुत राजा तो बहुत प्यारा सा है, बहुत प्यारा सा है। वो मेरा जिन है, वो मेरा जिन है। राजा हमारा जिन है, राजा हम सबका जिन है। जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि बसा औकात ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे मामलात होते हैं उसको हम जहन पर हावी कर लेते हैं और उसकी वजह से भी ये होता है, और हकीकत में उसका ताल्लुक नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर, यह जरूरी नहीं कि वो दूसरी चीज हो। बसा औकात कुछ चीजें हम ख्वाब में देख लेते हैं और उसको हकीकत समझ। सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है कि हमारे अहले दानिश जो है, अहले इल्म जो है, मुफक्किरीन जो है, मुफ्तियान जो है, वो साइंस की भी बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और डेफिनेटली उसको सपोर्ट करते हैं, उन थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं। मुझे ये बताइए सच्ची बात, उसके बाद मैं सादिया की तरफ आऊंगा। ये बताइए आप अब कैसा फील करें, अभी इस वक्त कैसा फील करें? अभी बस मेरे हाथ पैरों में कप को पार है। हाँ जी सादिया, एक मिनट अगर आप मुझे मैं पहले सादिया की तरफ जाऊँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। 5 साल की उम्र में परियां, 7 बहनें नजर आती हैं। ओके, 13 साल की उम्र में मजार पर गई तो सारी गैबी चीजें, जन्नात, परियां वगैरह सब नजर आई। पहले मुस्तकबिल की बातें बताती थी, अब नहीं बताती। क्यों, अब क्यों नहीं बताती? मतलब मैं इन चीजों से दूर भागती हूँ, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, क्योंकि बचपन से ये चीजें नजर आती हैं तो अब ना कोई डर है ना खौफ है। जैसे जब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो वो पता चल जाता है किसी ना किसी जरिए, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि क्या होगा। लेकिन ये जब वो हादसा हो जाता है तब यानी कि पता चल जाता है कि ये होने वाला था। क्या उम्र है? 22 ईयर्स। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसी मखलूकात मौजूद हैं कि अगर वो इंसान के साथ लग, जैसा कि कल के प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि वो दिल में बातों को इल्का करती हैं, मामलात को जाहिर करती हैं, मगर उस पर इंसान को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तवज्जो देने के बजाय उस चीज़ को अपने तसव्वुरात, अपनी जहनी कुव्वत के ज़रिए से दूर करना चाहिए। दूसरा ये है कि उसका इलाज भी करना चाहिए, डॉक्टरी भी और रूहानी भी। अगर कोई जिन्नात हैं, मखलूकात हैं, तो उसका यकीनन रूहानी इलाज होगा। आखिरी बार आपको परियां कब से क्या दिख रहा है? आखिरी बार आपको परियां कब नजर आए? अभी कुछ दिख रहा है? जहाँ तक परियों की बात है ना, परियों का तस्वीर मिलता नहीं है। एक सेकंड, अभी क्या दिख रहा है? अभी यहाँ लाइव शो आपका चल रहा होता है तो घर में, जैसे मैं बता रही होती हूँ अम्मी नूरी साहब की ये चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, लोग घूम रही है और जैसे बांध रहे होते हैं जिन वगैरह को, तो वो सब मुझे नजर आ रहा होता है। मेरे साथ कितने जिन? आपके साथ नहीं, मुफ्ती साहब के साथ भी है काफी सारे हैं, लेकिन मुफ्ती साहब के साथ तो मुकलीन है ना। हाँ, जो आप जो भी बोल रहे हैं, मेरे साथ एक भी नहीं है। इनको असल में किसी के जेर साए आने की
ضرورت ہے کیونکہ ان کی نظر کھل چکی ہے ان چیزوں کے خلل کی وجہ سے. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے, اس کو بند ہونا چاہیے, اس کا علاج ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ بہت زیادہ کثرت سے عمل بھی ہے, معذرت کے ساتھ. ہم مثال کے طور پر ایک ٹی وی چینل پر عامل صاحب آئے, انہوں نے کچھ وظیفہ دے دیا 3333 مرتبہ یہ پڑھ لو. پھر دوسرا چینل دیکھا, اس پر عامل صاحب نے یہ کہا اتنا اتنا پڑھ لو. اب یہ ساری پڑھائیاں اور اس کی کثرت, ہر ہر اسم کے اپنے جو ہے وہ تلسماتی طاقتیں ہیں, اس کی روحانیت ہے, اس کی جلالت ہے, تو وہ ہمیں نہیں پتا. بس اوقات اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ, میری نظر میں تو انہوں نے چیزوں کو بہت بری طرح حاوی کیا ہوا ہے جو ویژولائز ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا نفسیاتی مرض ہو جس کے اندر ان کو چیزیں نظر آتی ہوں, لیکن جو سائٹوں کی فکسیشن ہے, لوگوں کی انیبلنگ ہے, جس طرح آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ لوگ چیزوں کو یوز کروانے لگتے ہیں, آپ ہمیں فیوچر کا بتا دیں یا آپ ایسا کام کرتے ہیں, ویسا کرتے ہیں, نفسیاتی مسئلہ. مگر ان کے ساتھ جو پرابلم ہے نا اس ٹائم وہ یہ ہے کہ ان کی نظر کھلی ہوئی ہے, یا اس کی دو باتیں, یا تو ان کے ساتھ کوئی ایسے جنات ایسی مخلوقات لگی ہوئی ہیں جو خبر دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ پڑھائی کی ہے اور اس کی چیز کچھ نہیں پڑھائی کی. نہیں نہیں, ان کا آصف صاحب تھوڑا سا مل بانٹ کے ہم کام کریں گے ان پہ. جو مجھے ایک نظر آ رہا ہے کہ ایسے کوئی ہیلوسینیشنز ٹائپ چیزیں پراپرلی جو کیمیکلائزڈ ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور فیملی کی وجہ سے اور ایسے شوز یا ایسی چیزوں کے اندر یہ جو انوالو ہوتی جا رہی ہیں ان کی وجہ سے ان کی دماغ پہ حاوی ہو گیا. پھر یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ان کو کیسے معلوم چل جاتا ہے کہ کیمرے کو فوکس کر لیجئے سادیا پہ. بعض اوقات اتفاقات ہیں, اگر 100 بار اس کی سوچتے ہیں اور اگر 10 بار ہو جاتا ہے تو یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور ایسے لوگ ڈیلیوژنل بہت سوچتے ہیں, اللہ نہ کرے یہ نہ ہو جائے, اور وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. کچھ ایسی چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کو نہیں بتائی. فرائیڈے کو میں آپ سے بات کروں گا, اب سے تھوڑی دیر کے بعد الائچی والے بابا سے آپ کی ملاقات ہے. ہم سادیا کو اس بریک کے بعد ایک منٹ کے لیے روکیں گے. ہمارے پاس ایک الائچی والے بابا ہیں, وہ ایک الائچی دیں گے آپ کو اور کہتے ہیں کہ اس سے سارے کام ہو جاتے ہیں. کیا حقیقت کیا فسانہ, صرف تم کو ہے بتانا. ول بی رائٹ بیک. لیڈیز اینڈ جینٹلمن, ہم نے الائچی والے بابا کو یہاں بلوایا ہے اور ان کے آتے ہی میری سانس اکھڑنے لگی ہے. لٹرلی میں بتا رہا ہوں, بہت مشکل سے آئیں. واقعی یہ مذاق نہیں ہے, میری سانس واقعی پھول رہی ہے. السلام علیکم سر. تھینک یو. ان کا کہنا یہ ہے, پچھلے 16 برسوں سے یہ کر رہے ہیں, ہر روز 5 یا 6 لوگوں کو دیکھتے ہیں, بات بہت کم کرتے ہیں. جب یہ کسی سے بات کرتے ہیں آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں, ہوا میں کچھ لیتے ہیں اور سامنے رکھ دیتے ہیں. انہوں نے کل ہمارے ایک پیشنٹ کے لیے ایک تعویذ کو گھمایا ہے, منگوا کے وہ تعویذ رکھا اور وہ تعویذ ایسے گھومنے لگا, لٹرلی گھومنے لگا. یہ میں نے دیکھا. ان کو ہم نے بہت مشکل سے یہاں بلایا ہے. یہ کہتے ہیں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو میں آپ کو ایک الائچی دوں گا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے, اور اس کے بعد وہ الائچی آپ کھا لیں اور آپ درست ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بقول آپ کے کہ ان کو چیزیں نظر آتی ہیں, کیا ہم بابا سے الائچی لے کے ان کو دے سکتے ہیں؟ جیسا آپ جائیں. آپ مجھے بتائیے, بابا سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں, علاج کے لیے تو کوئی منع نہ دے گا, کوئی مسئلہ نہیں. کامران بھائی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس حوالے سے کہ جب قرآن اور حدیث میں اس کا علاج موجود ہے تو یہ الائچی, یہ حافظ ہے یا پھر جو ہے وہ, جب ہم پڑھا ہوا پانی دیتے ہیں, طریقہ پڑھی ہوئی الائچی بھی تو ہے ان کا, ایک طریقہ ہے, طریقہ ہے میرے سے کیا دیا کہ پڑھی ہوئی الائچی بھی تو ہے, ٹھیک ہے. بہرحال وہ اپنا علاج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ الائچی ان کو ضرور دینی چاہیے. وہ پڑھی ہوئی الائچی یقیناً اپنے اندر اس کلام کے اثرات رکھتا ہے, ایک حافظ قرآن جو ہے وہ اس میں کچھ پڑھ کر دے رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے حافظ قرآن کا کسی الائچی کو اس پر کلام پڑھ کے دینا, علاج کا حصہ وہ دیں, لیکن ان کو ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی بھیجیں کہ مطلب ان کو نظر تو جو آتا ہے بالکل اثرات ہیں,
लेकिन इनके इतने हावी हो गए हैं कि कैमरे में भी नजर आते हैं, मतलब यहाँ से कैमरे में टीवी, हाँ टीवी के स्क्रीन पर भी इन्हें हमारे मतलब मौकिलात नजर आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक काम करते हैं, मुझे बताइए माइक में यहाँ पर कौन कौन इस वक्त कितने मौकिल इनके साथ हैं? इनके साथ जो मुझे इस वक्त यहाँ नजर आ रहे हैं वो 3 नजर आ रहे हैं, और जो पड़ोस में कारी साहब बैठे हैं उनके साथ 2 नजर आ रहे हैं, जो उनके साथ हैं इनके साथ भी हैं, मतलब 3 से 4 मुझे दिख रहे हैं, नूरी साहब के साथ 2 खड़े हुए हैं और इनके अंदर भी मौजूद हैं, और इनके जो हैं ये जो हैं इनके जो हैं वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो दूर से मेरे से आवाज आ रही है इनकी, ये सारी बातें गलत है, गलत मेरा भी बता दें इनके साथ 2 इनके साथ 3 बिल्कुल गलत बात ये है, लेकिन जैसे हमने कहा मैंने ये नहीं कहा कि इनके साथ मेरे नजरिए में वो गलत होता है, नहीं ऐसा होता है, मगर इनके साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल पेशेंट तो वो है, हमने तो उसका इलाज करना है, उससे बहस नहीं करनी, बिल्कुल इलाज ठीक है, वो देख लेंगे, पेशेंट से बहस नहीं करनी, उसका इलाज इनके साथ है कुछ मौका तो डॉक्टर साहब, इसीलिए डॉक्टर के साथ नहीं हो सकता है, वो कोई विल्प पढ़ते हैं, देखिए बात तो है ना, अगेन बात वही है, कामरान भाई, बाबर साहब, मुफ्ती साहब, बात वही है कि देखिए हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करना, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपको जी फरमाए, अगर इनके लिए इलायची मिल जाए, नाम क्या है क्या बताइए, नाम सादिया कमर, सादिया कमर, वालदा का, वालदा का नाम मुख्तार, आपके सामने अब इनके साथ कोई नजर आया, इनके साथ मतलब इनके साथ में नहीं है, इनको देते हैं मतलब पीछे हैं, वो है इन्हीं के साथ होंगे, लेकिन मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं यहाँ आई आपका शो सुनती हूँ, तो मैं आपके लिए आपका पहुँच, अच्छा ये इलाची खाएंगे तो दुरुस्त हो जाएंगे कह रहे हैं या फिर साहब का कहना है, मतलब उसके बाद नजर जी मेरा कहना यह है कि ये बात जमात नमाज पाबंदी से अदा करें, और जब भी लाची को इस्तेमाल करें तो पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी परेशानियां दूर कर देगा, आमीन आमीन। रूह, क्या हम रूह को बुला सकते हैं? मैं तो उस चीज को 100% डिसएग्री करूं, आप नहीं मानते सर, आप देखें पिछले भी शोज हो चुके हैं रूह के टॉपिक पे, और उसमें काफ़ी तफसील से गुफ्तगु हुई, और भी उलमा हजरात थे, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी ये मसला चल रहा है रूह को बुलाने का, रूह है क्या, रूह अमर रब्बी है, यस अरुण कहानी रूह कुली रूह मिन अमर रब्बी, 16वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं हबीब ये आपसे सवाल करते हैं रूह क्या है, आप फरमा दीजिए कि ये रूह अमर रब्बी है, अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। जहाँ तक रही इसको बुलाने का, बुलाने के लिए ये कहना कि हम मैं रूह को हाजिर कर सकता हूँ या मैं रूह को हाजिर करता हूँ, ये बिल्कुल गलत। हाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुकाशिफात, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से अपने लताइफ़ सित्ता लतीफ़ रूह उनका जब उजागर हो जाता है, उनको रूहानियत और कमाल हासिल हो जाता है, तो वो ये ज़रूर है कि रूह से मुलाकात भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। अब ऐसा हो कि रूह को हर जगह बुलाया जा सकता हो, ऐसा नहीं है, कैमरे के सामने बुलाया जा सकता हो या शीशे में बुलाया जा सकता हो या कहीं भी, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो लोग जो रूहानियत के इस दर्जे को पहुँचे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने यह मकाम दिया, जिनके मुकाशिफात, जिनका कश्फ जारी हुआ, वो बिल्कुल उनकी निगाहों में ये ताकत है कि वो रूह को देख भी सकते हैं और उससे बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं। इसी तरह रूह के आने से मुतालिक अहदीस जो है इस पर शाहिद है कि बेशुमार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर जुमेरात को नेक लोगों की अरवाह या जो फौतशुदा लोग हैं मरहूमिन हैं उनकी अरवाह जो है वो घर में आती है, इसी तरह इंतकाल के बाद 40 दिन तक जो मरने वाला है उसकी रूह उसकी कब्र पर मौजूद होती है, तो आने का सबूत हदीसों से बिल्कुल साबित है। आप क्या कहते हैं? रूह को बुलाने का जहाँ तक ताल्लुक है उस सिलसिले में मैं इत्तेफाक करूँगा मुफ्ती साहब से कि वो एक ख़ास दर्जे पर फायज लोग होते हैं
जो रूह को बुलाकर उससे बात कर सकते हैं। और जहां तक दूसरी बात है बुलाने की, उर्फ़ आम में एक चीज है हमजाद, उसको लोग हाजिर कर लेते हैं, लेकिन उसको भी हाजिर करने के लिए तन्हाई और तखलिया ही चाहिए होता है, सरे बाजार ये काम नहीं होता। अगर ये चीजें, हमारे ऑफिस में एक टेलीफोन कॉल आई थी, मुझे नहीं पता कि वो पेशेंट यहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। शहदादपुर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने शो देखा था, इसके बाद उनको ये कहा गया है कि उनकी बेटी अगले चार रोज में मर जाएगी, ये कहा गया है। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ हैं या नहीं हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम उनसे मिलते हैं। ऑफ कोर्स, क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी ने आप पे जादू किया हो, उसने एक तावीज़ किसी कब्र में दबाया हो, पर यहाँ बैठे बैठे वो तावीज़ आपको आप हिसाब दे, क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, मुझे अभी बताया जा रहा है कि वो खातून जो है वो अपनी बच्ची को लेके आ गई है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उनकी कहानी है, और हो सकता है कि हम किसी की मदद करने में कामयाब हो जाए। ऑफ कोर्स तमाम तारीफें खुदा की। भी राइट बेटी पैदा हुई जब तकरीबन 1.5 साल की है, झटके लगते हैं, गर्दन गिरती रहती है, सीधी नहीं होती, डॉक्टर्स कहते हैं दिमाग का फालिज। इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज भी करना चाहती हैं। ये आपका दूसरा बेटा, मतलब पहला बेटा, एक बेटा एक बेटी, बेटे नाम क्या आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, आप मोहम्मद हुसैन यहाँ बैठेंगे? इधर बैठिए, इधर बैठिए। शाबाश शाबाश मोहम्मद हुसैन, आप ठीक हो? रोइएगा नहीं। अब कल ये शो देख के निकली हैं, प्रोग्राम देख के निकली हैं। मैं आपका तारुफ करवा दूं, ये हमारे हाफिज साहब हैं उर्फ इलायची वाले बाबा, इलायची भी देते हैं, तावीज़ भी दे देते हैं, और उनसे भी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, दुरुस्त हो जाती हैं। डॉक्टर वजाहत हैं, ये डॉक्टर हैं, मेडिकल के पेशे से इनका ताल्लुक है। प्रोफेसर नूरी साहब हैं, ये साइकिक हैं हमारे। ऑफकोर्स कामरान भाई हैं, मुफ्ती कामरान साहब हैं, मुफ्ती बाबर साहब हैं, एंड ऑफ कोर्स मुफ्ती आसिफ सईद साहब हैं। ये वो लोग हैं जो मुफ्तियान हैं, इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, रूहानी तरीका इलाज करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? जी। किसको दिखाया? वहीं गांव में दिखाया? नहीं नहीं, मैं पहले गांव में दिखाती रही, फिर मैं जब मुझे लगा कि मेरी बच्ची सही नहीं हो रही, फिर यहाँ डॉक्टर के पास ही आई, उसने कहा आपके पास 6 घंटे, अगर बच गई तो बच्ची आपकी ये दुआ करे। मैंने अल्लाह को सताया, दुआ की, मालिक बेटी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी अब जिंदगी आप ही मुझे बख्श दे, मेरी बच्ची ठीक हो गई। फिर उससे ये कि जब ये सिर्फ जैसे बड़ी होती गई सिर्फ ऊपर आसमान में देखती थी, इसको ये पता नहीं था कि ये अम्मी है क्या, ये क्या नहीं, ये हंसती नहीं थी। हालांकि 1.25 महीने का बच्चा होता है तो उसको पता लगता है, हंसने लगता है, ये 1 साल के बाद हंसने लगी है, देखने लगी है। तो इसका मतलब मैं समझती हूँ कि हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। मैंने हिम्मत की, मैं वहां से निकल के डॉक्टरों तक पहुंची। मेरा दिल कहता है, मैंने ये प्रोग्राम देखा कि मेरी बच्ची को दुआ की भी जरूरत है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्ची एक माँ का दिल हमेशा सही कहता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं, मेडिकल से। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको क्या लगता है? नंबर वन, इस बच्ची की जो है ना वो ट्रू डायग्नोसिस की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बड़ी मिसडायग्नोज हुई हुई है। अगर गर्दन के वजह से टिकने की ना वजह से भी नहीं आई, मैंने अभी देखा बच्चे की ओवरऑल रिफ्लेक्सेस बहुत कम है, इसका इतना ज्यादा रोने में ताकत नहीं है, इसकी बॉडी भी सही तरह बनी हुई नहीं है। इसकी पूरी हिस्ट्री डिलीवरी से लेकर आज तक जो है ना वो डॉक्टर के पास, और मेरे क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट हूं, मेरे साथ न्यूरोलॉजिस्ट भी साथ होते हैं, तो हम लोग मिलके जो है ना कोई डायग्नोसिस करेंगे। क्या आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को रेकमेंड कर सकते हैं? यस सर, हम लोग अभी मैं इनसे मिलता हूं, इंशाल्लाह ताला इनसे मायूस इनको जाने नहीं देंगे यहां से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, यहां तो मेडिकल का जो तरीका इलाज है वो हम आपके लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, और पैसे की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, कोई मसला, ठीक होंगी इंशाल्लाह ताला, फिर अल्लाह देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, ये काम तो आपका हो ही जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। मुफ्ती साहब, क्या समझते हैं, कोई असर कोई असरा 3 बार ये कब्रिस्तान के सामने से गुजरी? देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, बेशक कब्रिस्तान के पास से गुजरी, जरूरी नहीं है कि अगर कोई कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो उस पर कोई भूत, कोई रूह या कोई साया या कोई जिन चुड़ैल चढ़ जाए, ऐसा नहीं है।
अमूमन हमारी जिंदगी में भी तजर्बे में ऐसे मरीज आए जिनके साथ ये मामला रूहानी नहीं है मगर फिर भी ऐसे मरीज रहे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन कि हमने जो कुरान उतारा है इसको मोमिनीन के लिए शिफा भी रखा है और रहमत भी रखा है। रहमत सुकून के माने में, शिफा मर्ज को दूर करने के माने में। तो यकीनन रूहानी तरीके से अगर चेक किया जाए तो इनकी वालदा को देखा जाएगा कहीं आया इनके साथ तो कोई इसकी डिलीवरी से पहले प्रॉब्लम नहीं थी, उनको देखा जाएगा। अगर होगी तो उनका भी रूहानी इलाज किया जाएगा, नहीं तो बच्ची को जहां तक डॉक्टर से इलाज करा रही है तो रूहानी इस मामले के लिए तावीजात भी होते हैं जो कुरानी आयात से बनते हैं, वो हम और उसकी तरफ भी आएंगे। सर जी, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि वाकई जो है ना वो मतलब कब्रिस्तान के सामने से गुजरना ये जरूरी नहीं है कि जनन पे असरात वगैरह हों, लेकिन इनकी वालदा को भी चेक किया जाए, इनको भी अल्लाह ज़वजल के कलाम में शिफा है, अल्लाह ज़वजल ने चाहा तो शिफा मिलेगी। अब इनका मतलब ये इस्तिखारा वगैरह चेक करके जरा फिर बताया जा सकता है कि इनको क्या मसला है। इनकी वालदा का नाम और बच्चे का नाम अगर बता दें तो मतलब देख लिया जाएगा। अच्छा, मैं यही कहूँगा कि अब तो जो कुछ चीज़ है वो सब कुछ नज़र आ रही है, इस बच्ची की कैफियत, इसकी हालत, इसकी कमज़ोरी। अब इलाज की तरफ आ जाए कुरान से। कुरान मजीद के अंदर सूरह फातिहा सूरह शिफा के नाम से जो है मौसूम है। सूरह फातिहा जो है वो फजर की नमाज के बाद और ईशा की नमाज के बाद सात सात मरतबा पढ़ें, पानी पर दम करें, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम की बरकत से इस बच्ची की कैफियत जो है वो इंशाल्लाह दुरुस्त होगी। जी नूर साहब, मैं दो तीन जुमले तफसील से कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि कब्रिस्तान की जहाँ तक बात है, कब्रिस्तानों में बहुत मरतबा हम गए हैं, बल्कि आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पैनिक जो कब्रिस्तान के हवाले से हमारे मुल्क में फैला हुआ है कि वहाँ कोई चीजें जरूर होती हैं, इसे खत्म किया जाए। बात करूंगा सेकेंड वन कि ये बच्ची जो है ना, जितना ज्यादा इसको डॉक्टर साहब ने कहा कि न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, उतना ही सूरह फातिहा जिसे सूरह शफा कहा जाता है चीनी की प्लेट पे लिखकर सुबह शाम इस बच्ची को पिलाई जाए। हमसे कहती हैं हम इनको लिख देंगे, मैं एक दर्जन प्लेटें आज ही लिख दूंगा, ठीक है ऐसा कर लेते हैं। और हमारे यहाँ किसी किस्म का आप यहीं से बेशक ले लीजिए, मैं यहीं मंगवा के जाफरान से लिख दूंगा, किसी चीज का कोई पैसा हमारे यहाँ नहीं लिया जाता, ना जाफरान का लिया जाता ना हम लेते हैं, मैं अपने ऑफिस में भी नहीं लेता। थैंक यू जी सर। अब सब हो सकता है? जी जी, इनका काम तो हो जाएगा, पर थोड़ी सी रुकावटें हैं इनके काम में। क्या? कि जिन हजरात ने इनके ऊपर तवीज कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं तो वो काले इलम से किए गए हैं। अच्छा। कि इनका ड्रेवरी का मसले में ये डेथ हो जाए इनकी और इनका बच्चा भी। ऐसा था? ऐसा था? मैं कुछ नहीं जानती। आप नहीं जानते? नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती। क्या आप उन तावीजात को जो इनके लिए दफनाए गए हैं या दबाए गए हैं उनको ला सकते हैं? जी, मैं पूरी मुसलमानियत के अंदर पूरी दुनिया को ये कह सकता हूँ कि अगर वो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बुराइयां दूर कर देता है, उसके ऊपर हजरात वगैरह या तवीज नहीं असर करेंगी। हाँ, उसकी दूसरी वजूहात मैं ये पेश करूँगा आपके सामने कि जादू बरहक कहा गया है और इनके जो तवीज़ात हैं वो मैं अपने मौकलात के थ्रू हाजिर करता हूँ, जो होगा आपके सामने आ जाए। इसको खोलिएगा ना, क्योंकि असरात जो होते हैं वो तो इसको खोलना नहीं, ठंडा किया जाएंगे। ओके, ठीक है। इसको इनको देना है या क्या करना है? इसको इनको दे दीजिए या इनको समंदर में या नहर में बहा दीजिए। कोई भी बहा सकता है? जी। नूरी साहब, ये आपके सामने, खोलना नहीं। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अब सिलसिला ये है, तावीज आपके लिए जो है वो पानी में बहा दिया जाएगा, उसे ठंडा कर लिया जाएगा, ठीक है।
इम्तियान जो है वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसकी भी जरूरत है, मतलब आपसे मुराद ये बेटी को। मैंने वजाहत से बात की है, वजाहत आपके लिए जो इनके प्रॉपर डॉक्टर हैं उसका इंतजाम करेंगे, साथ साथ सूरत फातिहा और चीनी के बर्तन का इंतजाम। सूरत फातिहा तो जाहिर है, एक वजीफा मैं अर्ज कर दूं सर, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, खासतौर पर बच्चों के साथ अगर अमराज होते हैं, सूरत फातिहा जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया वो भी करें, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम 360 बार डेली पढ़कर पानी पे दम करें, खुद भी पिए और इस बच्ची को भी पिलाएं। कोशिश करें आप खुद भी पिए और बच्ची को भी पिलाएं, इंशाल्लाह सलामती का नुजूल होगा। और जो भी आप इलाज करेंगे, चाहे वो डॉक्टरी करें रूहानी करें, अल्लाह उसमें शिफा पैदा करेगा और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं मौलवी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए अर्ज करूंगा कि यही वजीफा मैंने आजमाया है, लोगों को दिया है। जो लोग आर्जाए कल्ब में मुब्तला हैं वो इसका विर्द करते हैं और किया है, तो उनका आर्जा कल्ब जो है उनमें शफा उन्हें हासिल हुई है इस वजीफे से। अच्छा, ये इनका ताबीज जो दबाया गया था किसी कब्रिस्तान में दबाया गया था? जी, इनके जो शहजादपुर के इलाके से जहाँ से इनका गुजरना हुआ था, ड्राइवरी से पहले ये बता रही हैं, तो वहाँ दफन था। वहाँ दफन किया। ओके, अब आपका जो तावीज है उसे भी बाहर निकाल दिया गया है, असल तो वहाँ भी खत्म हो जाएगा। साथ साथ मुफ्तियान जो है उन्होंने आपको सूरह फातिहा का बताया भी है और चीनी की प्लेटों का इंतजाम हम आपके लिए कर देंगे। वजाहत से मेरी बात हुई है, आपके लिए मेडिकल डॉक्टर का प्रॉपर ट्रीटमेंट का इंतजाम हम कर रहे हैं और आपका कोई पैसा नहीं लगना। इनको मुझे दे दीजिए। आ जाओ। मैं ये कहना चाहूंगी मेरा दिल साफ, आप बिल्कुल फिक्र, आप फिक्र नहीं करें, फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह फजल, माशाल्लाह दुआ करेंगे, जितमाई दुआ करेंगे अल्लाह ताला सब शफा होगी। अच्छा, साइलेंस प्लीज प्लीज, नहीं करो। जी, इट्स ओके, ठीक है, मुझे ब्रेक लेना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करना। माँ का दिल है, शहदादपुर से इन्होंने सफर किया। एक ऐसी कहानी है कि अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा। कुछ चीजें हमने दानिस्ता आपको नहीं बताई है जो हम फ्राइडे को बताएंगे, लेकिन इस बच्ची को गौर से देखिए। एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, इंसान किसी चीज पे कादिर नहीं है, कादिर खुदा की ज़ात। मुझे नहीं पता कल मेरा अंजाम क्या है, लेकिन आज मुझे ये पता है मेरा जो फर्ज है मैं उसे निभाने की कोशिश करता हूँ। इस फर्ज में मेरा साथ दीजिएगा। कोई उल्टे सीधे अल्फाज नहीं है, कोई आगे पीछे की बातें नहीं है, सिंपल सी बात यह है, इस प्रोग्राम को फ्राइडे तक देखिएगा। आई प्रोमिस यू, मेरा इरादा, मेरी कोशिश अपनी कौम के उन ख्यालात को चेंज करना है जिसका हम अरसे से बरसों से सदियों से शिकार रहे। आइए मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान की तामीर करते हैं। सबसे पहले आइए इस माँ के दिल को ठंडा रखते हैं। विल बी राइट बैक। ब्रेक के दौरान कल मैं आपको इसकी फुटेज भी दिखाऊंगा। ब्रेक के दौरान हमने इनको यहाँ बुलाया था, इन पे हाजिरी होनी थी, लेकिन इन पे हाजिरी ब्रेक के दौरान ही लेके जाएगा। तो इस वक्त मुफ्तियान जो हैं वो सब के सब इनसे बात करने में मसरूफ हैं। लेट्स सी कि क्या होता है अभी। ऐसे इसको दरवाजे को प्लीज बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए और ज्यादा तैयार रखिए प्लीज, दरवाजा बंद कर दीजिए, दरवाजा। या तुझे जलाऊं, जला दूं तो फिर छोड़ दूं। अगर जला लेके तो तू जा नहीं सकता है। अब मुझे ये बता के जो है ना तूने करना क्या है, या तो जला दूं या जो है ना कोई बातचीत हो जाएगी हमारे दरमियान। नूर साहब आप थोड़े से पीछे हो जाइए, कैमरे के अंदर थोड़ा सा आ रहा है, बल्कि आप इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। सूरत कौसर पढ़ो। हाँ, कोई तारुफ करना है या मैं पढ़ना शुरू कर दूं? नाम बताओगे, नाम बताओगे? नहीं बताओगे मतलब जलाना शुरू कर दो। तमाम मौकिलात से अर्ज है कैसे आजाद कर दो। नहीं करना आजाद नहीं करेंगे। फिर किसी पे चढ़ जाएगा। अगर तू ये वादा करके जाता है, पहले तो मुझे अपना तारुफ बता। अगर तू वादा करके जाता है कि किसी इंसान को, किसी मखलूक को कोई तकलीफ नहीं देगा, तो फिर हम कुछ जो है ना वो बातचीत कर सकते हैं। अगर तूने सारी जिंदगी ऐसे ही नहीं आया हूँ, हैं? ऐसे ही नहीं आया। कैसे आया? भेज जाए मुझे।
तो फिर कोई चीज मार दो इसको। किसको मार दो? इसको मार दो। कितने अरसे से पूछो किसको मार दो? एक मिनट इनसे पूछिए किसको मार दो। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? हाँ। किसने भेजा है? इसको पता है ना? किसने भेजा है? नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? नहीं बताओ। किसने भेजा है? नहीं ये नहीं बताता। अच्छा ये नहीं बताएगा तो मतलब आजाद कर दें? हाँ। तो फिर किसी और को जाके तंग करोगे? नहीं नहीं। तो हम कैसे माने करोगे? मतलब कौन हो क्या हो तुम? जैना नाम बताओ। नहीं कोई नाम नहीं है। कोई नाम नहीं है? नहीं। कॉलो इकरार दोगे? हाँ। इस चीज का दोबारा तंग ना करने का ना आने का जिस्म में आवाज सुनिए, दोबारा तंग ना करने का जिस्म में ना आने का, किसी मखलूक को तंग ना करने का। अहद करते हो तो हम आजाद कर सकेंगे, वरना हम जला देंगे तुम्हें। हम इसीलिए बैठे हैं कि हम मखलूक की तकलीफ को दूर करें। तू किसी को मानता है? नहीं, नहीं मानता। कम्युनिस्ट है? अच्छा तो फिर क्या करें, जलाना शुरू करूं? जो तुम्हारे बस में करके देख लो, कर दो। हजरत पढ़ाई शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु या अली या अजीम या हलीम या अलीम। अल्लाहु अंत रब्बी व इल्मुक हस्बि फनी मर रब्बी फनी मल हस्बि हस्बि तंसुर मन तशा व तलजुर रहीम। नसअलुका लिस्माता फिल हरकाति व सकनाति वल कलिमाति वल इरादाति वल खतराति मिन كافا يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وابدأنا وسلامة وعافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسح واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فانظر العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي وقد خاب من حمل ظلما قاسٍ من محمد سنقاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حمى الامر وجعلنا نصرف علينا لا ينصرون حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل لطب الشديد القابل ست لا اله الا الله والي المصير بسم الله بابنا تبارك هي قانونا ياسين صفنا كافا يا عين صاد كفايتنا كل عين قاف حمايتنا هو سميع عليم ست علينا ست هميشا كل لئے ختم کر آگ لگا دے اس کے جسم میں علينا الله من بلاي المحيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ جب بولا صلى الله عليه وسلم وهو ارحم الراحمين ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تیرے کو بولا ہے کہ بات کر لے مار دو پانی چلاؤ تمام موکلات سے عرض ہے کہ اس کی ہڈیاں ہڈیاں توڑ پھوڑ کے رکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مدرہ اللہ جائے بھی تجدہ معاونہ لگا فی النبائی بکل ہم یوں کمی سنجل بھی حمد کیا اللہ علی علی نادی علی مدرہ اللہ جائے ان کاموں کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس پہ ہم ختم بھی کر دیں گے ان کل بھی آپ کرتے رہے
टाइम हमारे पास कम है, हाजिरी पूरी करके चला जा, हमने छोड़ना नहीं है अभी। ये इसी तरह जलाते रहेंगे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हमारा। हाजिरी खत्म करो, निकल, हाजिरी खत्म करो, निकल यहाँ से, निकल, बाद में देखेंगे। हो गया, जा रही है, गिरेगी, चादर मंगवा ली, चादर लाइए, ले आइए, चादर लाइए, जल्दी चादर लाइए, जल्दी जल्दी चादर लाइए, अभी बताइए, आगे पानी का छिड़काव कीजिएगा, इनका पानी पिला दीजिएगा, पानी का छिड़काव पिला दीजिएगा, छिड़काव भी कीजिएगा, प्लीज लेके जाइए इनको। लेके जाइए प्लीज, इनके चप्पल भी यहाँ से ले जाइए प्लीज, प्लीज ये चप्पल भी, लो इनकी चप्पल भी लेके जाइए ये प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई डोंट नो हाउ मच टाइम डू वी हैव, कितना टाइम है हमारे पास, और आई तीन मिनट। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अभी इनका इलाज जारी है, कोशिश हम ये करेंगे, कोशिश ये करेंगे हम कि इसकी फुटेज जो है ये आपको दिखा सकें कल, अगर इनका इलाज पूरा हो जाता है, वरना बकौल मुफ्ती साहब के ऐसे कामों में देर लगती है, सब देर लगता है, चाहिए होता है, देर लग सकती है, आधा घंटा भी लग सकता है, अगर जला रहे हम चीज को घंटा भी लग सकता है, पौन घंटा भी लग सकता है, डेढ़ डेढ़ घंटे भी लग सकते हैं, दो घंटे भी, कई दफा हमें दस दस घंटे भी लगे, बात चीजें इतनी सख्त होती हैं कि एक एक दिन पूरा खा जाता है, तब जलाते हैं, तब जलते हैं जी हाँ, और असरात फिर भी अपने छोड़ जाता है। राइट, आप क्या कहते हैं, मेडिकल साइंस क्या कहती है इस सिलसिले में, आपने भी देखा जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ, जब ये आई तो आते ही इन पे हाजिरी जो थी वो हो गई, इसके अलावा इन पे पीछे भी इन पे या आपके सामने, तो क्या वो डू यू थिंक, मेरी जो अपनी फीलिंग्स हैं, मतलब जिंदाद और जो मामला है वो तो नज़र आ रहा है, हो सकता है हो, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा हो सकता है ना भी हो, क्योंकि इन लोग का माइंड पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है एक टाइम पे, आई थिंक शी इज टू के शाउटिंग, जैसे मतलब जैसे इनके सामने जी इन लोग का, क्योंकि टाइम के साथ इनकी जो ये प्रैक्टिस है ना, ये कोई 10-10, 12-12 सालों से चल रही होती है, फैमिली वाले इस चीज़ के ऊपर हावी करते हैं कि इसमें जिन आता है, आता है, आता है, और इनके ऊपर फिर ऐसे माइंड सेट हो जाता है कि इनको लगने लगता है। डॉक्टर नहीं नहीं ऐसा मानना है, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा, ये आप कह रहे हैं कि हम जिन्नात के वजूद को मानते हैं, ठीक है, नहीं नहीं मैंने कुछ और बोलना चाह रहा हूं कि जो है ना उसकी जो तकलीफ है उसको अगर आप नफ्सियात की तरफ ही ले जाएंगे, देखिए मैंने शुरू से ये कह रहा हूं, पिछले वीक में भी कहता रहा हूं कि नफ्सियात पर असर होता है इन चीजों का, बॉडी पे भी असर होता है, मगर ये आप नहीं कह सकते कि ये जो तकलीफ हो रही है ये नफ्सियात की वजह से, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, नफ्सियात के मरीज की कैफियत और होती है, और इस पर पढ़ाई करें, तकलीफ बढ़ रही है, क्यों हो रही है, अब ये पढ़ रही है, तकलीफ क्यों बढ़ रही है, इसका रीजन फिर क्या है, क्या जवाब है इसका, देखिए अगर मेरी बात मेरी सुन, मैंने शुरू में भी आपने देखे जो कहा मैंने इत्तेफाक किया ना, मगर ये नफ्सियाती केस नहीं है, ये जरूर आप लोग सुनेंगे तो मैं बात करूंगा, आप बात करें डॉक्टर साहब, मैंने शुरू से ये बात कही थी कि जहां तक इस चीज की हकायक का ताल्लुक है कि इस पे जिन है जी, वो एक 50% आपने अलग कर दिया मामला, जो मेरी अपनी एक नॉलेज है, जो एक एज अ डॉक्टर मैं बताऊं कि बाज़ औक़ात ऐसे लोग जो है ना बहुत लंबे अरसे तक इस टाइप की चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपसे जरूर, फैमिली जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंडल्ज कर जाती है कि इनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गली तसव्वुरात में आ जाती है कि ये विजुलाइज करते हैं, ठीक है, और
जब ये बहुत ज्यादा इन चीजों को फील करने लगते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और फिर लोग भी इन चीजों को इसी तरह देखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे 30-40-50% इनके जिन्नात का मामला है, क्योंकि मैं तो सीधे माहिर नहीं हूँ, मैं ना कह सकता हूँ, लेकिन नफ्सियाती तौर पर जो है ना इनका माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जब नफ्सियाती तौर पर भी मतलब इनको तकलीफ भी नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल होती है, आपको नहीं पता कि नफ्सियाती तौर पर ऐसी तकलीफ होती है जो टाइम के साथ वो असली में नजर आने लगती है। एक काम करते हैं हमको कहीं ना कहीं तो पहुंचना है, आखिर को बहस की तरफ जानी है। व्हाट वी विल डू इज कि कल हम आपको कुछ ऐसी फुटेजेस दिखाएंगे जो जिनका इलाज हो रहा है रूहानी तरीके से, और कुछ ऐसी फुटेज दिखाएंगे जो नफ्सियाती मरीज है। आपके सामने खुद सारा कंपैरिजन होगा। मैं इस मामले में भी अपनी राय महफूज रख रहा हूँ फ्राइडे तक, बट फ्राइडे को मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैं दरअसल क्या सोचता हूँ। अभी यहाँ पर एक और शख्स को आना था लेकिन वो आ नहीं सके हैं, उनकी हाज़िरी वहीं हो गई है अंदर। ये जो आप पिछली चीखों की जो आवाज़ें सुन रहे थे ये उन्हीं साहब की आवाज़ें थीं। जब कल वो हमारे पास आए थे वो खुद ढूंढते हुए यहाँ आ गए थे। जब कल ये आवाज़ें आई थी तो वो भाग रहे थे, मुसलसल भाग रहे थे यहाँ पूरे इसमें भाग रहे थे, और वो औरत की आवाज़ में चीखते हैं, कहते हैं कि उन पर एक चुड़ैल या जिन्नी का साया है। अब लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। क्या ये महरूमियों की वजह से होता है? इंसान, मैंने पिछले वीक एक बात कही थी, जब पिछला हमने वीक मनाया था इसका, तो मैंने कही थी कि कभी किसी अमीर पे जिन आते हुए सर, नहीं मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर, एक मुझे प्लीज मुफ्ती अमीर पर जिन आते हैं, मगर आप ये बात याद रखिए जो हमारा अमीर तबका है, ये आमलीन, ये रूहानी ताकतें, ये रूहानी लोग, हमारे मुल्क के बड़े बड़े लोग भी इनको रखते हैं, ठीक है, वही बात। और अमीरों पे भी आते हैं, उनकी अमीरी होने की वजह से उनके मर्ज सामने दुनिया के नहीं आते। कई ऐसे इस शेर के रईस हैं जिनके इलाज हमने किए हैं मगर वो सामने नहीं आते, मुल्क के सरदार हैं मगर हमने किए। मैं बात करूं, इशू इस बात का नहीं है। मैंने जो मेजोरिटी देखी है वो जिन गरीबों पे आते हुए देखा है, जिनके पास पैसा है उन पे सिर्फ फिरौन आता है, सिर्फ फिरौन आता। मैं इन तमाम केसेस के सिलसिले में अपनी राय महफूज रख रहा हूं, मैं कोई बात नहीं कर रहा अंटिल फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन मैं आपसे बात करूंगा अपने इस पूरे पैनल की मौजूदगी में। क्वेश्चन इज कि क्या ये अफसाना है या हकीकत है? क्या वाकई इस कदर इंसान मजबूर हो जाता है कि वो अपने आप को यहां यूं दुनिया के सामने लाके पेश कर देता है, या फिर उसकी जहन की कोई ये फिगमेंटेशन है? क्या मेडिकल साइंस सच कहती है, या फिर मुफ्तियान जो हैं उनके इल्म से रूहानी इलाज किया जाता है, या फिर हमारे साइकिक जो हैं वो सही कहते हैं? लेकिन उसके लिए आपको फ्राइडे तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल हम आपको बताएंगे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, कल हम आपको बताएंगे कि रूह क्या होती है, और कोशिश करेंगे कि यहां पर एक रूह को भी बुलाया जा सके। कैसे वो आप कल देखिएगा, और इलायची वाले बाबा हमारे साथ रहेंगे कल भी। कल हम कोशिश करेंगे कि ये आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जाएंगे जो इससे पहले कभी आपने देखी नहीं होगी। हमारे पास एक पेशेंट है जो सिर्फ इनका है, कहते हैं कि ये एक ऐसी कब्र की मिट्टी यहाँ मंगवाएंगे जो इस मुल्क में नहीं, एक गैर मुल्क में है। लेट्स सी कि क्या होता है।